और इस बीच एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल के सिरमौर, जहां अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिरमौर जिले वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखो, यहां से मोदी जी तक धन्यवाद की आवाज जानी चाहिए। जाएगी तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विकास की एक नई पहचान दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सौदान सिंह जी, अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, कश्मीर के नेता और यहां के सहप्रभारी भाई देवेंद्र सिंह राणा जी, मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखराम चौधरी जी, मेरे मित्र और विधायक श्री राजीव बिंदल जी, श्रीमती रीना कश्यप जी, विनय गुप्ता जी, बलदेव तोमर जी और आज इस स्थान पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, आज अरे हो गया, आप सुनो यार, बोलो भारत माता की, बैठिए। मित्रों, आज मैंने मोदी जी की रैली में जो आपका उत्साह देखा था, वो टेलीविजन पर देखा था। मोदी जी वंदे भारत देने आए, हिमाचल वालों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया था, मगर वो उत्साह कैसा था उसका अनुभव नहीं था। आज मुझे सिरमौर वालों ने, हाटी वालों ने समझा दिया कि वो उत्साह था। मित्रों, ये हमारा हिमाचल पूरे देश में, मैं तो गुजरात से आता हूं, पूरे देश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देश भर की माताएं इसको वीर भूमि भी कहती है कि देश के लिए, देश की सुरक्षा को अंजाम देने वाली हमारी जो फौज है, उसमें अनुपात में अगर किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा फौजी जाते हैं तो मेरी हिमाचल की माताएं अपने बच्चों को। इसलिए इसको वीर भूमि भी कहते हैं। यहां पर मां चिंतनपूर्णी, मां ज्वालामुखी, मां चामुंडा, शीतला देवी, मां नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, आशापुरा देवी, हिडम्बा देवी, बाबा बालकनाथ, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का प्रत्यक्ष वास जहां पर है, ये देवभूमि को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर यही जिले में, यही पहाड़ियों में रेणुका जी का पवित्र झील, चूड़धार की चोटी, सिरगुल का देवताओं का मंदिर, भंगायणी माता का मंदिर, पांवटा साहब का गुरुद्वारा और त्रिलोकपुर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान यहीं पर, यही पहाड़ियों पर है। और मित्रों, सबसे पहले परमवीर चक्र देने का की श्री सोमनाथ शर्मा को देने का काम भी हमारे हिमाचल ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश, मैं तो यहां आया था
जयराम भाई ने कहा सिरमौर वालों को हाटी समुदाय वालों को मिलना है, साच अर्थ में मैं कहता हूं जयराम भाई आए तब मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों के मन में इतना दर्द इतना पीड़ा ये अन्याय के सामने पड़ा हुआ है। मित्रों आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय करकर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है और बड़े भाव से बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव है। मित्रों यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है, 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपने आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई दे रही हूं। ये जयराम भाई आपके मुख्यमंत्री पीछे पड़ने वाले आदमी कम से कम 25 बार मेरा सर खा गए कि अमृत भाई अन्याय हो रहा है। नक्शा लेकर आते थे, मुझे पहाड़ी बताते थे, आज आंखों से देख ली कि भाई इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है और 55 साल से ये अन्याय चल रहा। जयराम भाई रिजोल्यूशन लेकर आए थे तब हाथ में कागज देने के पहले भूमिका बनाए, बहुत कठिन काम है, करना ही पड़ेगा हमारे लोगों को। अरे मैंने बोला भैया काम तो बताओ, आप बोले ही जा रहे हो। फिर उन्होंने बताया हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है। मित्रों और मोदी जी की एक दृष्टि पड़ गई और आप सभी को जनजाति का दर्जा। हाटी समुदाय के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना। अगर ये कांग्रेसी लोग जो है ना उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं आए, सजे है नहीं है? अरे भाई बोलो सजे है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया है। क्षेत्र के सारे अनुसूचित भाई जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार ना रिजर्वेशन का ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं और हाटी वालों को मिलेगा। भाई दोनों तरफ विजय है या नहीं है बताओ भाई, है ना दोनों ओर? ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं। मित्रों ये अंतर।
मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, वर्ष है, देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हिमाचल का सुवर्ण जयंती मनाया गया, 50 साल हिमालय के रूप हिमाचल के हो गए हैं, और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं, भाई कोई भी रिवाज पहली बार होगा होगा या नहीं हुआ होगा बताइए, कभी न कोई ना कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और